हमारे उत्तर प्रदेश के समस्त एम्बुलेंस कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। मैं मधुर मिश्रा, वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन रक्षक एम्बुलेंस यूनियन। साथियों, जैसा कि जीवनदायिनी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी की तरफ से ये आह्वान किया जा रहा है लाइव केस क्लोजिंग बंद करने के लिए, उसके विषय में मेरा ये वीडियो है। साथियों, मैं जीवनदायिनी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी से ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि आप लोग जिन मुद्दों को लेकर लाइव केस क्लोजिंग को बंद कराया है, आप उसको अपने यूनियन के लेटर पैड पे एवं वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के एम्बुलेंस कर्मचारियों को अवगत कराएं, और आप लोग जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को उसमें खोलें। हमारी जीवन रक्षक यूनियन एम्बुलेंस कर्मचारियों के सहायता के लिए और उनके भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह से उनके साथ है। हम लोग भी आपका सपोर्ट करेंगे, पर सुनने में ये आ रहा है कि आप लोगों के द्वारा सिर्फ अपने दो पदाधिकारियों को, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उनको वापस कराने के लिए इस तरह से लाइव केस क्लोजिंग को बंद किया जा रहा है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इन सब जो आपके मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को आप एम्बुलेंस कर्मचारियों में बता रहे हैं, आप इनको लिखित में डालिए और आपका हम लोग समर्थन करेंगे। और अगर बिना जो मुद्दे आप उसमें डालेंगे, अगर उनको बिना पूरा हुए अगर आप पीछे हटते हैं, चाहे आप हटते हैं चाहे हम लोग हटते हैं, जो भी यूनियन पीछे हटती है उसके सभी पदाधिकारियों को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एम्बुलेंस कर्मचारी अब गलत का साथ नहीं देगा। सभी कर्मचारी जागरूक हो चुके हैं, तो इसलिए पुनः एक बार कहना चाहता हूँ, हनुमान पांडे जी, मुझे आपके लेटर पैड का, वीडियो का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।